आज मैं बात करने वाला हूँ शंख के बारे में। आज के परिवेश में लोग शंख का क्या अर्थ लगाते हैं और मूल रूप में शंख का अर्थ क्या होता है और शंख हमारे जीवन में कितना उपयोगी है या शंख का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध ने भी त्रिरत्न में शंख की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है शंघम शरणम गच्छामि, अर्थात शंघ में रहो, शंघ सबसे उत्तम शरण है। तो इस विषय पर आज खुल के बात करने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं अपने सभी दर्शकों को हार्दिक वंदन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बौद्धों के पवित्र पुस्तक परित्राण सूत्र पाठ में शंघम शरणम गच्छामि का अर्थ बताया गया है कि मैं शंघ की शरण में जाता हूँ। भिक्षुओं एवं उनके अनुयायी लोगों से पता चला है कि शंघ का अर्थ भिक्षु संघ है, जो भगवान बुद्ध के वचनों का प्रचार प्रसार करते हैं। यह बात मुझे ठीक उसी प्रकार लगी जिस प्रकार सभी धर्म के धर्म गुरु ही स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, तो फिर यह मानव धर्म कैसा। बौद्ध धर्म में तो कहा जाता है कि सभी लोग समान हैं। वैदिक धर्म या इस्लाम धर्म की तरह जाति पाति का भेदभाव और उच्च नीच का भेदभाव नहीं रखा जाता है। मैं अपने शोध में पाया कि संघ समाज का ही एक दूसरा स्वरूप होता है और संघ मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी प्राणी बिना संघ के पूरे सृष्टि में कभी भी निवास नहीं कर सकता, अर्थात जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक पल में संघ की आवश्यकता उसे होती ही है। उदाहरण के तौर पर कहें तो हमारे घरों में जब बच्चे का जन्म होता है तो स्वयं ही देख लीजिए, क्या छोटा शिशु अपना पालन पोषण स्वयं कर सकता है? जवाब आपका होगा नहीं। बच्चों के आवश्यकता अनुसार संघ का दायरा बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे संघ अर्थात समुदाय में लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे प्रारंभ में माता पिता संघ के सदस्य होते हैं, इसके बाद चाचा चाची, दादा दादी, दोस्त, शिक्षक, डॉक्टर, पड़ोसी, ग्रामीण, शहरी लोग इत्यादि धीरे धीरे उस संघ के सदस्य बने जाते हैं। दूसरा उदाहरण के तौर पर आप स्वयं देख लीजिए, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा संघ होता है उस व्यक्ति की उतनी बड़ी शक्ति होती है। छोटा उदाहरण मधुमक्खियों को ले लीजिए। मधुमक्खियां वास्तव में एक बहुत ही कमजोर और बहुत ही छोटा सा प्राणी है, लेकिन यह हमेशा समूह में रहता है और समूह में रहने के कारण लोग इससे भी डरते हैं कि नहीं, मधुमक्खियों से, भौरों से मत छेड़ो, क्योंकि ये एकजुट होकर के जब हमला करेंगे तो काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम मानवों के संघ को देख लीजिए, जिनका जितना बड़ा संघ है वह उतना शक्तिशाली। जैसे वार्ड सदस्य को ले लीजिए, ये एक दो तीन चार गलियों के एक संघ का मालिक होता है। उसी प्रकार उनसे बड़ा होते हैं मुखिया या मुख्य पार्षद, ये अपने पंचायत और अपने क्षेत्र का श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। उसी प्रकार विधायक को ले लीजिए, सांसद का क्षेत्र देख लीजिए, सांसद का कितना बड़ा संघ होता है यह देख लीजिए, प्रधानमंत्री का संघ देख लीजिए कितना बड़ा होता है, राष्ट्रपति का देखिए। तो इस तरह से जिस व्यक्ति का जितना बड़ा संघ होता है वह व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता है, वह उतना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि बुद्ध के द्वारा बताए गए त्रिरत्न में संघ रत्न सबसे उत्तम रत्न है और इसके अंतर्गत केवल बौद्ध भिक्षु संघ ही नहीं आता बल्कि संसार के समस्त लोग इसके अंतर्गत आते हैं। भगवान बुद्ध ने भी पाली भाषा में कहा है कि ये च संघा अतीता च, ये च संघा अनागता, पच्चुपन्ना च ये संघा अहम वंदामि सर्वदा, अर्थात जो भूतकाल में संघ हुए हैं, जो भविष्यत काल में संघ होंगे तथा जो वर्तमान काल में
शंघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। इस वाक्यांश से स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों अर्थात जिनकी जमीन जायदाद संपत्ति प्रतिष्ठा का उत्तराधिकारी हम बने हैं और हमारे वर्तमान में सभी शुभचिंतक हैं, जैसे माता पिता, परिवार, समाज, राज्य, देश के लोग सभी वंदनीय हैं और जो भविष्य काल में होंगे वह भी वंदनीय होंगे। भगवान बुद्ध ने एक दूसरे सूत्र के माध्यम से संघ को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा है, उत्तम गेना वंदे हम संघ च तिविधोतमम, संघो यो खलितो दोषो संघो खम तु तम ममम। अर्थात जो पाप से रहित मन वाणी और कायस अर्थात शरीर से उत्तम एवं पवित्र संघ है, मैं उसको सिर से वंदना करता हूँ अर्थात सर झुकाकर के वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानतावश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो अर्थात भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा भला चाहते हैं, उस उत्तम संघ की वंदना की बात कही गई है और उनके प्रति कोई भी अज्ञानतावश भूल हो गई हो तो क्षमा याचना भी की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघ रत्न सबसे उत्तम रत्न है। इसके बिना किसी भी प्राणी के जीवित रहने की संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। यदि हमारा शोध आपको अच्छा लगा तो कृपया कर इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अर्थात लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक तो जरूर करें क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है अच्छे कार्यों को करने हेतु।